लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो। हमको नौकरी चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। अगली बार की सरकार हाय हाय बिल्कुल वो उनको वोट नहीं मिलेगा। अगर महिला पीछे हो गई तो नीतीश को कोई नहीं जिता सकता है। न्यूज़ पर भारत और मैं आपके साथ पहुंचा। जी हाँ, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये लाइब्रेरियन की बहाली के लेकर है। इनका कहना है काफी हद से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गई है, उसी को लेकर आज इन्होंने मार्च निकाला। और इनका कहना है ये मार्च है जो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल से होकर विधानसभा को घेराव करेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं, इनकी क्या अंत क्या क्या मांगे भाई आप, क्या मांगे आपकी? हमारी एक मांग है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हाई स्कूल में लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो। केवल हाई स्कूल ही नहीं बल्कि प्रदेश में जितने भी जगह पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एएनएम कॉलेज हो, जीएनएम कॉलेज हो, या आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक जगह पे जो हजारों छात्र पीएलआईएस और एमएलआईएस करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी नियुक्ति हो। कहाँ से कहाँ तक आपके मार्च है? गर्दनीबाग से हम लोग का विधानसभा मार्च है, हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, गर्दनीबाग से हम लोग मार्च शुरू किया है। मेरा मुख्य मांग यही है कि 8 साल 10 साल हो गया है, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली एक बार भी नहीं निकाली गई है। हम लोगों के साथ जाति हो रही है, हम लोग पढ़ पढ़ के एज हम लोग का एक्सपायर हो रहा है। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग किस लिए पढ़े हैं? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर में बच्चे छोड़ छोड़ करके घर से निकल रहे हैं ताकि पढ़ाई करें, ताकि आगे बढ़े, नौकरी लें। लेकिन हम लोग के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। और किस लिए हम नीतीश सरकार को वोट दें, किस लिए हम आगे बढ़ने के लिए? उनको इसलिए जिताया ताकि वो हम लोगों का, महिलाओं का दर्द समझे। जब वो हम लोग का दर्द नहीं समझेंगे, अगली बार नीतीश सरकार हाय हाय बिल्कुल वो उनको वोट नहीं मिलेगा। और अगर महिला पीछे हट जाएगी किसी भी जगह से तो उनकी आधी आबादी घट जाएगी। किसी भी कीमत पे वो नहीं जीत सकते हैं, वो चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे किसी भी जाति के रहे। अगर महिला पीछे हो गई तो नीतीश को कोई नहीं जिता सकता है। अगर अपनी उनकी कुर्सी बचानी है तो महिला को साथ में लेके चलना होगा और हर हाल में उनको बहाली निकालनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें जो करना हो। 2008 में हुई थी, 2008 में बिहार सरकार में वैकेंसी आई थी, उसके बाद आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग 2008 से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, बिलिस की, एमलिस की, नेट क्वालिफाइड करके भी बैठे हुए हैं। हम लोग के लिए वैकेंसी नहीं है, ये जाति हो रही है। और हम लोग कितना स्ट्रगल कर करके दूर जा जा करके पढ़ाई करते हैं, बच्चे हैं, घर में परिवार है, सास है, ससुर है, क्योंकि हम खुद औरत है। आप देख रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, बच्चे सब को छोड़ छोड़ के हम लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और जब इस भरोसे पे कि आज नकद गवर्नमेंट जॉब होगा, आज नकद अच्छी नौकरी लगेगी, जब अच्छी नौकरी नहीं दे सकते हो तो तुमको हम कुर्सी नहीं दे सकते हैं। बस अगर आप हमें नौकरी नहीं दे सकते हो, लाइब्रेरी की बहाली नहीं निकाल सकते हो, तो हम भी तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम भी तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे। ये हम ले जाएंगे विधानसभा तक, ले जाएंगे विधानसभा तक, जाएंगे और वहाँ तक बोलेंगे, इसी रफ्तार में बोलेंगे जब तक उनके कानों में जू नहीं रेंग जाता। जो सोए हुए ना आराम से, उनकी कुर्सी को हिला के रख देंगे। आज खाली निकाल दीजिए, बस यही टेंशन है। कितने मात्रा में होंगे आप लोग के जो कैंडिडेट हैं? हम लोग का भी अभी लगभग 20,000 स्टूडेंट हैं, जो 2008 के बाद से जो वैकेंसी नहीं आई है, इस लगभग 20,000 स्टूडेंट हम लोग अभी बैठे हुए हैं। 20,000 स्टूडेंट तो देखा इनका साफ तौर पे, 20,000 स्टूडेंट बैठे हुए आप देख सकते हैं, जो लोग हैं जो लाइब्रेरियन को बहाली को लेकर है। और समझ सकते हैं जो इन लोग का कहना है, नीतीश कुमार बेरोजगारी भत्ता देती है, बेरोजगारी हटाओ। और इसीलिए सहयोगी आनंद के साथ मैं प्रेम, न्यूज़ फॉर भारत, पटना।